कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने एग्जिट पोल के नतीजों को बुरी तरह नकारा है। उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में एक तरफा काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक संसदीय चुनाव क्षेत्र से 400-500 आदमियों को पूछकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि थोड़ा धैर्य रखकर 23 मई का इंतजार करें, एग्जिट पोल दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह फेल हो जाएगा। रामलाल ठाकुर ने धनबल पर एग्जिट पोल को अपने पक्ष में घोषित करवाने का भी भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे को छोड़कर सेना के पराक्रम को चुनाव जीतने के लिए कवच के रूप में दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर अपने घर समीरपुर में कुछ समय बिताकर आराम करने के साथ साथ थकान मिटा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 3-4 महीनों से चुनाव के प्रचार के लिए लगे हुए थे और अब 2-3 दिन का इंतजार लंबा लगेगा। अनुराग ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं को आनंद उठाने और आराम करने का आह्वान किया है। वहीं इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने एग्जिट पोल के नतीजों पर कहा कि एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए एग्जिट का रास्ता दिखा रहा है और कांग्रेस का इन चुनावों में खराब प्रचार रहा है और कांग्रेस को अपने नेतृत्व में भारी फेरबदल करने की जरूरत है, क्योंकि 3-3 राज्यों में कांग्रेस को जिताने के बाद भी लोकसभा में सफाया होता है, तो ये बदलाव देश की जनता चाहती है। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मंदिरों में जाने की टिप्पणियों पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले मंदिर में जाकर ध्यान लगाया है, जो कि अच्छा है, लेकिन राहुल गांधी की इस पर टिप्पणियां ठीक नहीं है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को कहा कि अब राहुल के अच्छे दिन आने वाले हैं और बोरिया बिस्तरा बांधकर नानी घर जाने वाले हैं। अनुराग ठाकुर ने मतदान प्रतिशतता बढ़ने पर खुशी जताई है और कहा कि इसके लिए हिमाचल की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र से बाहर रहने वाले वोटरों ने भी अपने घर आकर वोट दिया है, जो कि खुशी की बात है और जो कि वोट के सदुपयोग को दर्शाता है। अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि इस बार चारों सीटें हिमाचल की जीतेंगे और देश में फिर से मोदी सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी के द्वारा पूरे देश में विकास करवाया है और हिमाचल में भी मोदी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। सोलन की फिटफोर्ट फोरम संस्था द्वारा अभिनव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सोलन के मुरारी मार्केट में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर से आए करीब 500 कलाकार हिस्सा लेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में एकता की भावना जागृत करना और देश के समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक नृत्य को न केवल संजोना बल्कि युवा पीढ़ी को उससे अवगत भी कराना है। जानकारी देते हुए फोरम के चेयरमैन विपुल गोयल ने बताया कि पिछले 33 सालों से अभिनय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 3 जून से 9 जून तक आयोजित होने वाले ऑल इंडिया डांस एवं ड्रामा कंपटीशन के इस कार्यक्रम में देश भर से 500 कलाकार हिस्सा लेंगे।